Very good morning, class third. Now, today we will start a new chapter, chapter number 5. का नेम है अपना little things. क्या नेम है chapter 5 का? Little things, यानी छोटी छोटी क्या होती है वस्तुएं. छोटी छोटी things means क्या होती है? वस्तुएं, चीजें. ठीक है, लिटिल मींस छोटी. तो चैप्टर 4 को हमने कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइजेस हैं आपकी, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको फिल करवा दिए थे. जो एक्सरसाइज रह गई है वो आपको आपकी बुक के अंदर ही क्या करना है, फिल करना है. ठीक है आपको. और चैप्टर नंबर जो अपन 5 स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को क्या करेंगे, पोयम को रीड करेंगे. चैप्टर नंबर 5 है अपना पेज नंबर 18. कौन सा है? पेज नंबर 18. लो सो लेट स्टार्ट. वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स हैं DROPS. ड्रॉप्स मीन्स होती है बूंदे. ड्रॉप्स मीन्स क्या होती है? बूंदे. जो पानी की छोटी छोटी बूंदे होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? ड्रॉप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ड्रॉप्स. ग्रेन, GRAINS. ग्रेन्स मीन्स होते हैं अनाज के दाने, होते हैं ना गेहूं के दाने, चावल के दाने. ग्रेन्स मीन्स होते हैं अनाज के दाने. बाजरा होता है ना, उसके दाने, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? ग्रेन्स बोलते हैं. माइटी, MIGSTY. माइटी मीन्स होता है अति शक्तिशाली. माइटी मीन्स क्या होता है? अति शक्तिशाली. नेक्स्ट प्लीजेंट, PLEASANT. प्लीजेंट होता है सुहाना. प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? सुहाना. जैसे सुहावना मौसम होता है ना, प्लीजेंट है ना, वैसे ही होता है सुहाना. डीड्स मीन्स होते हैं कारनामे. डीड्स मीन्स क्या होते हैं? कारनामे. तो आपके 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड मीनिंग्स आपको दे रखी है. ये आपको किसमें करनी है? अपनी नोटबुक में करनी है. एक बार और देख लेते हैं अपन. DROPS ड्रॉप्स मीन्स होती है बूंदे. GRAINS ग्रेन्स मीन्स होते हैं अनाज के दाने. माइटी मीन्स होते हैं अति शक्तिशाली. प्लीजेंट, और आपको बोल बोल के स्पीक एंड राइट, मतलब जो भी काम करोगे आप बोलोगे और फिर लिखोगे, सबसे पहले ये जरूरी है. प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है सुहाना. एंड डीड्स मीन्स क्या होते हैं? कारना में. नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 5. ओपन योर बुक. पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पर है आपके. देखते हैं अपन क्या है. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर. वॉटर मीन्स क्या होता है? पानी. छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदे. पानी की क्या? ड्रॉप्स ऑफ वॉटर में पानी की बूंदे. लिटिल ग्रेन्स, ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब जो मिट्टी में बोए जाते हैं अनाज के दाने. छोटे छोटे थोड़े क्या? अनाज के दाने. मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लीजेंट लैंड. और हम माइटी ओशियन और एक अति शक्तिशाली क्या? एक ओशियन मतलब क्या होता है? महासागर. एंड द प्लीजेंट लैंड, एक सुहावना, यानी लैंड मीन्स भूमि. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस. डीड्स मीन्स होते हैं हमारे काइंडनेस, दयालुता. छोटी छोटी चीजों के लिए हमको दयालु होना. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. छोटे छोटे वर्ड्स के लिए हमें मतलब शब्दों से क्या करना? प्यार करना. मेक दिस अर्थ अ प्लीजर लाइक द हेवन अबोव. और हम इससे पृथ्वी को क्या बना सकते हैं? छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे वर्ड से, छोटे छोटे मतलब अनाज के दानों से जो हम मिट्टी में बोते हैं, धरती को क्या बना सकते हैं हम? एक प्लीजर मतलब एक अति अद्भुत शक्तिशाली बना सकते हैं. लाइक अ हेवन अबो, किसकी तरह बना सकते हैं? एक हेवन यानी स्वर्ग की तरह पा सकते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो. क्योंकि हमको अगर हमारे अंदर हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो हम दूसरे को क्या शिक्षा देंगे, क्या सीख देंगे उससे? तो हम ही छोटी छोटी बूंदों को, छोटे छोटे अनाज के दानों को, लिटिल यानी थोड़े थोड़े, थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदों को बचाएंगे तो एक क्या बना सकते हैं हम? महासागर बन सकता है. ठीक है, ओशियन बन सकता है, माइटी ओशियन. एंड द प्लीजेंट लैंड, और क्या बना सकते हैं? एक सुहावनी धरती. क्या बना सकते हैं? लैंड जिसपे हम क्या सकते हैं? अनाज के दाने, मतलब किसान जो खेती करता है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें और ज्यादा क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मतलब और क्या होता है काइंडनेस? मतलब दयालुता. थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? दयालुता, दया भाव होने चाहिए हमारे अंदर. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार से थोड़े थोड़े प्यार के शब्दों को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए. हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें क्रोध यानी गुस्से को आगे नहीं रखकर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए. मेक दिस अर्थ अ प्लीजर, और एक दिन हमारी अर्थ यानी पृथ्वी बहुत अच्छी बन जाएगी. किस लिए, किस तरीके से दिखने लगेगी? लाइक द हेवन अबो, हेवन की तरह, स्वर्ग की तरह दिखने लगेगी.
ठीक है। अब हमने चैप्टर 5 में चैप्टर को रीड करा है, आपको चैप्टर को क्या करना है, 5 को रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपको नोटबुक आपके जो प्रॉपर डे है मंडे या ट्यूसडे जो भी आपका डे होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल में अपनी नोटबुक सबमिट करानी है, अपना प्रॉपर डे के अकॉर्डिंग वर्क करके जो भी आपको वर्क दिया जाता है वो आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। इंग्लिश ग्रामर का है तो ग्रामर में, रीडर है तो रीडर में, और डे के अकॉर्डिंग आपको कॉपी स्कूल में सबमिट करानी है। व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना है, स्कूल में सबमिट कराना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।